नमस्कार, मेरा नाम नवल किशोर है और मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक पॉइंट सीखेंगे जिसको सुधाकर कहते हैं। सुधाकर पॉइंट इसलिए बोलते हैं, एक हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, उन्होंने इस पॉइंट को खोज की और उन्होंने कुछ बीमारियों पर इस पॉइंट की रिसर्च करी और उसके बाद में वो पॉइंट बहुत कामयाब रहा। तो इसलिए हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, उन्होंने इस पॉइंट को सुधाकर के नाम से आगे प्रचलित किया। तो आज हम सीखेंगे कि सुधाकर पॉइंट कैसे देते हैं। सुधाकर पॉइंट बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में देते हैं। कई लोगों को गर्दन से लेकर लोअर बैक तक दर्द रहता है, यानी कि स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, अकड़ जाती है, मूवमेंट्स में फर्क आ जाता है, या आगे झुकने में या पीछे झुकने में दर्द होता है, या हम जब टर्न लेते हैं पीछे देखते हैं तो भी दर्द होता है, या कई बार हमारी कमर में अकड़ाहट हो जाती है, हम ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पीछे बांध रखा है कमर को। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में, या भारीपन हो, प्रॉब्लम स्पाइन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको हो रही है, तो उस कंडीशन में आप ये सुधाकर पॉइंट दे सकते हैं। बहुत छोटा पॉइंट है और बहुत इफेक्टिव है। तो सुधाकर पॉइंट से आप स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आराम ले सकते हैं। सावधानी ये रखनी है कि इसको देते समय बहुत हल्का प्रेशर रखना है। आइए मैं आपको बताता हूं कि सुधाकर पॉइंट कैसे देते हैं। सबसे पहले आप जिसको भी ये पॉइंट देना चाहते हैं उसको आप उल्टा लिटाना है, और उल्टे लिटाने के बाद में चेस्ट के नीचे एक पिलो लगाएंगे, ताकि क्योंकि हम स्पाइन पे प्रेशर देंगे तो जहां पर हम प्रेशर देते हैं उसके नीचे पिलो या कोई सॉफ्ट चीज लगा देते हैं, जैसे चादर हो सकती है, तकिया हो सकता है या कंबल हो सकता है। तो किस प्रकार देंगे आइए देखिए। तो जिसको आप ये पॉइंट देते हैं उनको उल्टा लिटाया, और ये हम लोग देते हैं स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। जब आप स्पाइन को छुएंगे तो ये स्पाइन आपको स्टिफ नजर आएगी, छूने पे पता लग जाता है तो स्पाइन नजर वो स्टिफ होती है। आप सुधाकर पॉइंट के लिए गर्दन से, गर्दन को सीधे रखना इस तरीके से रखकर हथेली से जो वर्टिब्रा पहला है T1 है, तो T1 से हथेली से क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। एक जगह पर चार बार क्लॉकवाइज करना है आपको, चार बार क्लॉकवाइज करते करते आपको नीचे की तरफ जाना है। हथेली से क्लॉकवाइज करना है, और ध्यान रखिए कि आपका प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत हल्का भी नहीं होना चाहिए कि आप स्पाइन पर पता ही ना चले। और स्पाइन के लास्ट वर्टिब्रा जिसको हम टेल बोन बोलते हैं, यहां तक आपको क्लॉकवाइज देना है। जब आप यहां आ जाएंगे तो फिर यहां से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी फिर ऊपर तक लेके जाएंगे। जब हमने क्लॉकवाइज करा, अब वापस जाते समय हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। और चार बार एक पॉइंट पर क्लॉकवाइज करते हुए ध्यान करेंगे कि जब हम हाथ आगे खिसका रहे हैं तो इसमें गैपिंग नहीं होनी चाहिए, ये ओवरलैप करते ही ऊपर तक जाना है आपने। और जहां से आपने शुरू करा था इस पॉइंट को, वहां लाकर इसको खत्म करेंगे। इस प्रकार जब हम इसके दो राउंड कंप्लीट करते हैं, यानी कि ऊपर से शुरुआत करके नीचे तक और नीचे से ऊपर तक, ये एक हमारा राउंड कहलाता है। इसी को हम दो बार रिपीट करते हैं। जब आप ये रिपीट करेंगे तो इस रिपीट करने से जब आप क्लॉकवाइज दे रहे तो हर एक मनके का सर्कुलेशन बढ़ेगा, हर एक मनके के बीच में जो स्टिफनेस आ गई है वो ठीक होगी, हर एक मनके के बीच में जो डिस्क कई बार स्टिफ हो जाती है वो मूवमेंट खत्म हो जाती है, वह सर्कुलेशन कम हो जाते हैं, मसल्स मूवमेंट करना बंद कर देती है। आपके ये पॉइंट देते ही वहां सर्कुलेशन बढ़ेगा और वहां लूज हो जाएगी। और ये देने के बाद में जब आप दोबारा से चेक करेंगे तो स्पाइन पर ये जो कमर है या पूरे स्पाइन पर आप देखेंगे तो वो जो स्टिफनेस आपको शुरुआत में महसूस हुई थी वो नहीं है। सावधानी केवल ये ध्यान रखना है कि देते समय बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोगों को अगर आप दे रहे हैं जिनकी 60+ एज है, क्योंकि इस एज में हड्डियां घिसना शुरू हो जाती है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में हमारा प्रेशर बहुत हल्का रखना है, क्योंकि कई बार हम बहुत ज्यादा प्रेशर दे देंगे तो उनको समस्या बढ़ सकती है। हम केवल आपको इस वीडियो के माध्यम से
ये सिखाना चाहते हैं कि अगर आप ये ट्रीटमेंट देते हैं तो इससे स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में लाभ लिया जा सकता है। हमारा ध्यान ये रखना है, प्रेशर बहुत हल्का रहे, सावधानी रहे और ओवरलैप करते हुए आगे तक बढ़ना है। आपको हाथ उठाकर नहीं रखना, ये सावधानी अगर आप रखते हैं और ये जो पॉइंट आप देंगे तो पेशेंट को तुरंत बैक पेन से रिलेटेड या स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में लाभ मिलेगा। मेरी उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन लगता है, कोई चीज नहीं समझ आती है, कुछ आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं या कुछ और नई वीडियोस आप देखना चाहते हैं किसी भी बीमारी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। आपके जो भी कमेंट्स होंगे हमारी टीम उसको फॉलो करेगी और जल्द से जल्द आपसे आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है हम उन पॉइंटों पर नई वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।